सतना में एक युवती ने अपने ही माता पिता के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके परिवार के लोग उसे बाहर नहीं जाने देते और उसके साथ मारपीट की जाती है। इस दौरान युवती ने घर जाने से इनकार करते हुए महिला थाने में हंगामा कर दिया। सतना के महिला थाने में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवती रोशनी विश्वकर्मा ने अपने ही माता पिता के खिलाफ थाने में शिकायत की है। युवती का कहना है कि उसके परिवार के लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, कहीं भी आने जाने पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसके साथ मारपीट की जाती है। थाना प्रभारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवती और उनके घर वालों को समझाइश के लिए बुलाया, जिसके बाद युवती ने परिवार वालों के साथ घर वापस जाने से मना कर दिया और थाने में हंगामा करने लगी। जैसे तैसे पुलिस ने मामला शांत कराया कि इन्होंने शुरू से मुझे प्रताड़ित किया। तीसरे नंबर के भाई को नहीं लेके आए हैं, वो मुझे मारता रहा जबरदस्ती। मेरी माँ नहीं कुछ बोलती थी, कोई कुछ नहीं बोलता था। उसके बाद मैंने सुसाइड किया। सुसाइड करने के बाद मैं बच गई, इन्होंने दवाई कराई मेरी। फिर उसके बाद इन्होंने फिर वही तंग करना चालू किया। फिर अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो उसको भी इन्होंने तंग किया। फिर उसके बाद मुझे उसके द्वारा नारी निकेतन भेजा गया। नारी निकेतन से मैं माँ बाप के साथ गई। फिर इन्होंने लगातार न मुझे साल भर फ़ोन दे के रखा था, न कहीं जाने देते थे, न कहीं आने देते थे, ठीक है। और ये लगातार मेरे साथ मारपीट करते थे, मेरे शरीर में निशान भी है। और उस दिन मेरा भाई ज़बरदस्ती मुझे लेकर के घर आया था, यहाँ थाने लेकर के आया था। फिर मैं थाने से बोल दी कि मुझे भाइयों के साथ नहीं जाना है, ये मुझे मारपीट करते हैं। अब मैं थाने से जब किसी और के साथ चली गई हूँ तो मेरे को पागल करार कर रहे हैं। मैं क्या पागल नजर आ रही हूँ? आप पागल नहीं हैं। मैं पागल नजर आ रही हूँ? कहाँ सर्टिफिकेट है मेरे पागल होने का? आप कहाँ जाएंगी? मैं अब अपना सेल्फ डिपेंड होकर के रहूंगी और खाऊंगी कमाऊंगी। कभी आई रात की, कभी आती नहीं है। हम बोलते हैं तो हमको कहते कि तुम मारा लाई को चप्पल। अब बताइए हम क्या करें? हम वो कारण है इसका यह है कि हम अपने मनमानी जाएंगे, कोई ना बोलो। वो आदमी के साथ शादी, उसका शादी सुधा खो गया है, उसी के पास इसका मन है जाने का, तो फिर भी खुल के बोलती नहीं, चोरी चोरी से मिलती मिलती रहती है, कुछ नहीं करती है। दिन दिन भर गोल रहती है, पता नहीं चलता, पूछते हैं तो बताती नहीं। बस इतना है। अब हमारा निवेदन यह है कि हमारी बच्ची हमारे घर चलेगा। वो बाप के साथ रहा चाहती है तो बाप अकेले रह लेगा बच्ची लड़की। लड़कन का दोष लगाती है कि मेरे को मारते हैं कूटते हैं, कोई न मारता न कूटता है। इसका कारण यह है कि जो हम पूछते कि कहाँ जाती है, टाइम से आओ टाइम से जाओ, टेंशन बन जाती है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।